रोहित और गाइस सुबह सुबह रोहित भाई के दर्शन हो गए, जिन्होंने हमारी गाड़ी में पेट्रोल डाला और गाड़ी फुल कर दी भाई ने। और ये देखो गाइस भाई जो है आम तोड़ रहा है, भाई फर्स्ट क्लास मजे लेगा बिल्कुल आम। कब गिरा हुआ भाई यहाँ पे, सिर्फ एक तार में अटका हुआ ये। दरिया बहुत ही ब्यूटीफुल अच्छा लग रहा है, और यहाँ देखो साइलेंट है बिल्कुल, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, सिर्फ कीड़ों की आवाज आ रही है। भाई मजा आ रहा है पहाड़ों में घूम के, एकदम फर्स्ट क्लास फ्रेश हवा, फुल भरे पड़े पीक एंड पाइन रिसोर्ट है, रिसोर्ट फुल भरे पड़े हैं आजकल। इस घर में जाएंगे मेरी गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चैनल की शुरुआत हो चुकी है एक शानदार और बेहतरीन जगह से, और हाँ इस वक्त मैं हूँ कोटद्वार में, और देखो हमने गाड़ी में डाल दिया पेट्रोल, और अभी हम लोग आज पहाड़ का सफर कर रहे हैं यहाँ से, और अभी आपको दिखाएंगे पहाड़ों के नज़ारे। तो गाइस कोटद्वार में मौसम मस्त हो रखा है, और मेरे ख्याल से आगे भी मौसम मस्त ही होगा, दिखाएंगे हम आपको इस ब्लॉग में। ब्लॉग में आओगे तुम? थैंक यू। क्या नाम है? रोहित। और गाइस सुबह सुबह रोहित भाई के दर्शन हो गए, जिन्होंने हमारी गाड़ी में पेट्रोल डाला और गाड़ी फुल कर दी भाई ने। थैंक यू रोहित भाई, थैंक यू सो मच। साढ़े छह के तकरीबन हो रहे, टाइम साढ़े छह हो गया, कोटद्वार में अभी चहल पहल कमी है, बिल्कुल रोड है अभी खाली है, वरना यहाँ रोड खाली मिलती नहीं है। और ये देखो कोटद्वार में बिल्कुल अभी थोड़ा जगह जगह मिल गई भाई जाने के लिए। ये है सिद्धिपल्ली मंदिर जाने का रास्ता, और ये देखिए सामने सिद्धिपल्ली मंदिर। यार मैंने भराने से गाड़ी पे हवा, लेकिन पंप और ये सब चीज तो है यहाँ पे, लेकिन भरने वाला नहीं है, और मुझे आइडिया भी नहीं इसका। गाइस कुछ भी बोले यार, मौसम मस्त है पहाड़ों में, और ब्यूटीफुल, और बीच बीच में स्लाइडिंग भी हो रही है। गाइस बहुत अच्छा लग रहा है इस रोड पे जाना, अभी तो मतलब सुबह के टाइम है, तो सुबह जो है बहुत साइलेंट है, वरना ट्रैफिक तो रहता ही है इस पर, और बढ़िया लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल। और ये सामने देखो एकदम साइलेंट रोड, अभी एक ही गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। और ये देखो गाइस भाई जो है आम तोड़ रहा है, भाई फर्स्ट क्लास मजे लेगा बिल्कुल आम के। बहुत छोटे हैं यार ये तो, और बीच उसमें बहुत छोटे अचार के लाए गए हैं। अचार तो पके पके, वाह भाई ने भाई आम भी दे दिया, लो मैडम के लिए। थैंक यू भाई, देखा गाइस आम तोड़ रहे थे और इन्होंने आम दे दिया, और बढ़िया यार छोटे सा आम है लेकिन बढ़िया लग रहे हैं। गाइस फाइनली पहुंच गए एकदम घनघोर जंगलों के बीच, और ये देखो यार उत्तराखंड की खूबसूरती, वाह क्या नजारे हैं, देखो शानदार ब्यूटीफुल, देख रहे हो ये देखो मस्त नजारे हैं भाई उत्तराखंड के। और गाइस यार मौसम तो क्या बताऊं मैं, ऑसम हो रहा है एकदम फर्स्ट क्लास मस्त एकदम। और अभी हम हैं लैंसडाउन की बेल्ट में, और आगे चल के एक जगह में चाय चोई भी पियेंगे। पेड़ के पत्ते पत्ते तो क्या बोलेंगे, घास ही है ये, पिरूल बोलते हैं इसको। देखो पेड़ भयंकर गिरा हुआ भाई यहाँ पे, सिर्फ एक तार में अटका हुआ ये, नीचे आ सकता बिल्कुल। और गाइस ये देखो लैंसडाउन की होटल इस वक्त फुल है, और गाड़ियां देखे पार्किंग की जगह भी नहीं है भाई, फुल भरे पड़े हैं। पीक एंड पाइन रिसोर्ट है, रिसोर्ट फुल भरे पड़े हैं आजकल है। और ये भाई यहाँ पर
गाइस उत्तराखंड फुल एकदम। तो गाइस अभी रुके हम ब्रेकफास्ट के लिए, और ये देखो हम ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे, मोती रेस्टोरेंट है, यहाँ करेंगे ब्रेकफास्ट वगैरह अभी। और बढ़िया मौसम हो रहा है यहाँ पे, ऑसम मौसम इज ऑसम, बहुत ही बढ़िया शानदार एकदम। तो इनको भी मिल जा रहे हैं ब्रेकफास्ट जो है यहाँ हो गया, और चाय और पराठा लिया हमने यहाँ पे, और अब हम निकलेंगे आगे। और गाइस यार इतना खूबसूरत नज़ारा ना, यहाँ धुंध शुरू हो गई है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो भाई पूरी धुंधी धुंध हो गई है, ये पूरा पूरी धुंध हो गई है, उधर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और ये देखो हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, और वो सामने भी धुंध है, और ये ना उड़ते हुए जा रहा है। अभी हम इसी के बीच से निकलते हुए आए हैं, देखो पूरा धुंधी धुंध। तो गाइज ये है उत्तराखंड की खूबसूरती, बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर हो रहा है और मज़ा आ रहा है, और ठंड लग लगी मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ मैं जैकेट निकालूँ, लेके आया मैं वैसे। और हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी पड़ रही है, और यहाँ पर क्या है ना बांझ बहुत है, जहाँ बांझ के पेड़ हैं बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ बांझ के पेड़ होते हैं ना वहाँ ठंडा ही रहता है हमेशा। तो गाइज अभी पहुँच गए हम, जगह तो पता नहीं कौन सी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है। रास्ते में चलते चलते थोड़ा सा हमने ब्रेक किया और यहाँ पर रुक गए, और बहुत ब्यूटीफुल, अभी देखिए धूप आ गई है, और यहाँ यही चल रहा है पहाड़ों में, बारिश भी हो जा रही है और ठंड भी हो जा रही है और धूप भी आ जा रही है, और बहुत ही ब्यूटीफुल अच्छा लग रहा है। और यहाँ देखो साइलेंट है बिल्कुल, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, सिर्फ कीड़ों की आवाज आ रही है, और पेड़ ही पेड़ और बांझ ही बांझ है यहाँ पे। ये देखो आपको एक आवाज सुनाई दे रही होगी, बिल्कुल साइलेंट आवाज। ये है गाइस उत्तराखंड की खूबसूरती, कभी धूप कभी बारिश कभी ठंडा कभी गर्मी, और इतना सुंदर माहौल, ब्यूटीफुल। और आजकल तो अभी लैंसडाउन होके आया मैं, तो वहाँ पर सारे के सारे जितने भी रिसोर्ट हैं जितने भी होटल्स हैं सारे के सारे बुक हैं, बाहर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है भाई, उन्होंने रोड पर लगा रखी है गाड़ियाँ। और इतना अच्छा ना आजकल, वैसे भी छुट्टियाँ हैं तो सभी लोग जो है पहाड़ों की तरफ आ रखे हैं। गाइस पहुंच गया रिखणी खाल, है ना रिखणी खाल है ना, तो यहाँ पर लेंगे कुछ सामान सामान जैसे कि हमेशा ही लेते हैं। और ये है मार्केट, आपको दिखा देते हैं मार्केट हो रही है, छोटा मार्केट है लेकिन सारी चीजें मिल जाती हैं। और मैडम ले रही है सामान, और क्या क्या चाहिए, चलते हैं आगे के लिए। और यहाँ से अब खतरनाक रास्ता है भाई। फिलहाल गाइस पहुँच गए हम लोग खालू डांडा में, और अभी हम यहाँ गुरुजी को छोड़ने आए, और अभी हमने जाना है उधर, देखो पल्ले छाला यानी उस तरफ, इस घर में जाएंगे हम अभी। अरे आराम से बोला, आराम से, अरे बहुत टाइम से अभी। नमस्कार नमस्कार भाई, नमस्कार, क्या हाल चाल, खुल गया तुम्हारा स्कूल, कब से खुल रहे, एक तारीख से, अच्छा चलो गुरुजी ठीक है बैठे तुम्हें, अरे नहीं चलते हैं उधर भी थोड़ा सा, अरे उधर भी तो पीना है, यहाँ ही पी लेंगे, वहाँ क्या पियेंगे फिर आप बनाओ कोई नहीं। स्कूल कल से हैं, क्या क्या छुट्टियों में आप लोगों ने हैं, स्कूल का काम, अभी स्कूल का काम तो सब कर देना, कुछ और बताओ ना, क्योंकि गर्म के गौरे 10 के दे दिए, तुमने घूमने गए थे, कहाँ गए घूमने, देहरादून, देहरादून, अबे देहरादून किस लिए गया यार, देहरादून से लोग यहाँ आ रहे हैं इतनी अच्छी जगह है, शादी में गए थे, चलो बढ़िया क्या, बहुत बढ़िया, कौन से गाँव के तुम लोग, दंगल गाँव के हो है, टीचर मैडम है तुम्हारे है, क्या चल रहा है गाँव में, तुम्हारे यहाँ टावर तो पकड़ता नहीं, गांव में पकड़ता, गांव में पकड़ता ठीक ठाक है, और यहाँ पे, यहाँ पे तो पकड़ता नहीं, हमारा जियो का तो बिल्कुल नहीं पकड़ता, हमारा जियो चल जाता है, नीचे चलता है ना, यहाँ नहीं चलता।
तो ये थे भाई यहाँ के गांव के लड़के और लड़कियाँ, और छुट्टी मना रहे हैं आजकल, कल से खुल रहे स्कूल इनके। और बढ़िया चाय पी, तुम वहाँ नहीं पियोगे? चलो आ जाओ मैं गाड़ी लॉक करके। ठीक है, एंजॉय करो। गाइस यार यहाँ चाय भी तैयार होगी, और देखो गुरुजी ने चाय बना दी भाई, मस्त लग रहा है एकदम। पहाड़ के घरों में आ रही चाय का मजा ही कुछ और भाई। हम जा रहे हैं यहाँ से अपने कमरे की तरफ, और चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे। बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है भाई ये, खाली उटांडा। मजा आ रहा है पहाड़ों में घूम के, एकदम फर्स्ट क्लास फ्रेश हवा, ऑक्सीजन लेवल तो A1 है। यहाँ का मौसम एकदम ऑसम। और ये है भाई डंडा, उसको बाढ़ रखी है, ये निकालना पड़ेगा, अब तो बाद में लगा देंगे इसको। ये देखो गाइस यहाँ का रास्ता बिल्कुल मस्त, एकदम फर्स्ट क्लास रास्ता है। और ये सामने वाला घर दिखाया जा रहा है, वहां पर जाएंगे हम। और गाइस यहाँ पर अच्छा खासा एडवेंचर हो जाता है भाई, फुल ग्रीन, और रास्ता तो गजब का है। गाइस पहले भी वीडियो बना रखी मैंने, दोबारा फिर बना दिया। ये है भाई कमरा, हम यहाँ रहेंगे आज। तो गाइस यहाँ रहेंगे आज, ये है हमारा कमरा। घर हो गया ज्यादा हमारे, तो पौड़ी पौड़ पाओ ब्लॉक। अच्छा हो, बच्चे से और ये थी गाइस पहाड़ के नारियां, हैवी वेट उठाने वाली। यार यहाँ देखो कितना मस्त मौसम हो रहा है, और बारिश शुरू हो गई यहाँ पर, और चारों तरफ बादल ही बादल हो गए दिखाते।